और आप देख रही हैं द नेटिजंस न्यूज़। खबरों के सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों में। आगरा फिरोजाबाद एमएलसी चुनाव के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान 5 प्रत्याशी हैं मैदान में, बीजेपी से विजय शिवर और सपा से दिलीप यादव में है टक्कर। दोनों जिले के कुल 3,922 मतदाता अपनी मतों का करेंगे प्रयोग। दोनों जिले में कुल 25 मतदान केंद्र बनाए गए। आगरा में 16, फिरोजाबाद में 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर भारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मतदान के बाद दोनों जगहों को मतपेटियां स्ट्रांग रूम में होगी जमा। 12 अप्रैल को होगा मतगणना। आगरा से मुस्तफिक सैफी की रिपोर्ट। जो आज व्यवस्था की गई है चुनाव में मतदान के लिए, इसमें क्या क्या प्रमुखता रखी गई है मतदान के लिए और क्या विशेष निगाहों में चीजें रखी जा रही है? जो पहले के चुनावों से एक जो डिफरेंस है, अभी सेंट्रल फोर्स है जो यहाँ सिक्योरिटी काम इंसाइड कर रही है। जनपद में कुल 16 केंद्र हैं जहाँ मतदान कार्य चल रहा है। हर जगह हम लोगों ने सीनियर लेवल अफसर को एज पीठासीन अधिकारी बनाया हुआ है, जिसमें BDO या EO रैंक के ऑफिसर्स हैं और हर जगह स्टेटिक मजिस्ट्रेट के रूप में या तो तहसीलदार, SDMs या कुछ जगह ADMs को भी रखा गया है। हर जगह मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, अलग से उसके लिए वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आपको, क्या लगता है पिछली बार सीट सपा के पास थी? मुझे लगता है कि सम्मानित मेरे जो मतदाता हैं, BDC हो, प्रधान हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, महापौर हो, पार्षद हो, चेयरमैन हो, सभासद हो, जो वो मुझे वोट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी और योगी जी के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए, चौमू विकास के लिए, सुरक्षा विकास, सुशासन, इसके माध्यम से हमको वोट पड़ रहा है और जो उत्साह का वातावरण देखने को जो मिल रहा है, निश्चित ही जीत सुनिश्चित है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर और अगर आप ऐसी खबरों से जुड़कर अपने आप को जागरूक रखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ द नेटिजंस न्यूज पर। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो से पहले आपको समय पर अपडेट मिल जाए और आप किसी भी जानकारी से पीछे ना रह जाएं।